मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं एक बार पहले बताया MIT वाले चुतिया रोम है। अब MIT लेवल में हो गलती से करके MIT वाले मत जाना, क्योंकि दुनिया सबसे घटिया रोम है MIT 12। अब MIT 11 में है तो आप MIT 11 में रहना, मत जाना। सोचते हो कि MIT 12 आ रहा है, मोबाइल अपग्रेड करूंगा, मेरा मोबाइल ठेला गाड़ी से रॉकेट की तरह उड़ने लग जाएगा। अब गलत हो, आपका मोबाइल आपको मोबाइल रॉकेट की तरह नहीं बल्कि जरूर चलने लग जाएगा। इसलिए MIT 12 में मत जाना, कि दुनिया से घटिया रोम मैंने देखा नहीं आज MIT 12 है। अब सोचते नया अपडेट आएगा, लेग फिक्स हो जाएगा, नया ये आएगा, देखने में सब कुछ मस्त होगा, ऐसा सब सोचते हो गए। आप मन में खिचड़ी पकाते हो, बाद में पता चलता है ये लेग की जगह और लेग आ गया, फिर नया अपडेट आने का इंतजार करते हो, फिर अपडेट आएगा, फिर लेग फिक्स होगा, और आपको पता नहीं लेग और बढ़ जाता है। लेग तो फिक्स होगा नहीं, लेग बढ़ जाएगा। अगर लेग फिक्स होना होता ना MIT 11 में लेग फिक्स हो जाता, अगर नहीं हुआ और लेग बढ़ रहा है MIT 12 में और लेग बढ़ा, MIT 13 में और लेग बढ़ेगा। जैसे होता है ना छुआ कछुआ की और लेग आता है, कछुआ का एक टांग कटेगा, फिर दूसरा टांग कटेगा, तीसरा टांग कटेगा, सब चार टांग कट के सबको जिगरा देगा, जैसे चलना ही बंद कर देगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि लेग फिक्स नहीं करेगा और लेग करते चला जाएगा। अभी तक जितना भी अभी तक एक बार भी लेग फिक्स नहीं किया इसने, और लेग करते जाएगा। मेरे लगता है जैसे MIT 13 आएगा तो मोबाइल चलना ही बंद कर देगा, ऐसे जैसे लावा कुलटा है उसके हिसाब से चलने लग जाता है, उससे भी घटिया परफॉर्मेंस कर देता है MIT 12। मगर कस्टम रोम मोबाइल का जान बचाता है सबका, क्योंकि देखो ये सब जान अपना जो मोबाइल होता है ना आगे बचने के लिए, इसीलिए अपना उसको डिक्रीज करा जाता है, मतलब स्पीड को कम कर देता है, परफॉर्मेंस को पूरा गिरा देता है। इतना गिरा देता है ना, आप मोबाइल चलना लेग करना इतना बढ़ जाएगा ना, अपनी मोबाइल लेना ही पड़ेगा। सर बात इसे जान सकता है, अगर आप वही मोबाइल में कस्टम रोम डाल के चलाओ, देखना नया से भी ज़्यादा स्पीड चलेगा, इतना मस्त चलेगा। आप सोचते हो ना, मैंने एक साल पहले लिया था, ऐसा मत चला कि एक साल बाद इतना खराब चल रहा है। वो कंपनी वाला ने जानबूझ के अपना वो खींच करके नया मॉडल बेचने के लिए उसका परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। अगर आपको इस नहीं लगेगा कस्टमर डाल के देखो लेकिन कितना मस्त गेम पे चलेगा। और जो मेरा चला मैं कस्टम रूम डाला है EOS का कस्टम रूम, मतलब अभी जो मेरे मोबाइल में रोम डाला हुआ है EOS का है, न्यू वर्जन अभी जो जस्ट 14 जो आया था वही वर्जन है, तो मैं वही चला रहा हूँ। इसमें जो कितना मस्त एफपीएस दे रहा है, अगर मैं यही MIT 12 में चलाता तो उसका एफपीएस 40 देता है, नहीं 55 ऐसे देते हैं, इतना घटिया चलता है एफपीएस। इसलिए MIT 12 का सारा रोम कार घटिया है, MIT 12 में तो अब MIT 12 में रहना, अपडेट मत करना क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन करता जा रहा है सबका। इसलिए अब बोले न्यू मॉडल जो परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता है, कि जैसे एक साल होता है ना तो उसको जाम से डाउन करता है, कि आप न्यू मॉडल लो जाम से कंपनी से डाउन करता है परफॉर्मेंस को देना। तो आपको मॉडल को अगर रेफिस करना है एक साल बाद कस्टम रूम डाल लो, मॉडल में बूट लोडर डाउनलोड कर लो, जब आपसे प्लेस कर दो कस्टम रूम तो मॉडल मक्खन से चलेगा। ऐसा लेकर कुछ नहीं होता है, अगर आपको कुछ कोई रोम चाहिए जो बैटरी वगैरह चाहिए तो मैं कमेंट करना बता दूंगा। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा मस्त, ColorOS नंबर 1 पे, EOS फिर SN का, तीन रोम मस्त है गेम के लिए और परफॉर्मेंस के लिए बैटरी के लिए। और आपको और गेमिंग की करना है तो लोरेन का कनर फ्रेस कर लो, लोअर कनर फ्रेस करने से आपका जो मोबाइल का लेगा ना वो कम हो जाएगा। अच्छा ना ब्रो, ओवर क्लॉक मत करना, ओवर क्लॉक में आपका करना ही मत, क्योंकि 60 अगर आपका अगर डिस्प्ले सपोर्ट करेगा और 67 करेगा तो इसका क्या फ़ायदा, बैटरी झुटम हो जाएगा। इसीलिए आप ओवर क्लॉक मत करना, 60 FPS का ही करना लोरेन कनर का। अभी मोबाइल को ओवर क्लॉक मत करो ब्रो, ओके उससे लोरेन कनर जो है ना आपको मोबाइल को मस्त कर देता है परफॉर्मेंस को सारा, कस्टम रोम और ये कर्नल चेंज कर कर को। मेरा तो फेवरेट है ColorOS रोम और ये लोरेन का कर्नल, दो ही मेरा जो बेस्ट है जो मोबाइल को मस्त करता है, तभी मोबाइल मस्त चलता है। नहीं तो MIUI 11 मन करता है ना सल कुत्ते, एक नंबर घटिया कम या क्या बोले, कुछ काम का नहीं, थोड़ा सा भी चलता नहीं। मैंने MIT 12 इंस्टॉल किया, जो एक दिन चलाया एक जानते हैं एक तो मतलब गेम नहीं खिलाता, गेम धीरे चला रहा था, उसका जो परफॉर्मेंस ज़्यादा है UI यूज करते करते क्रोम चला रहा था उसमें फंस जा रहा था, मतलब रुक रहा था, इतना लेकर रहा था 2-3 पेज पर ना लेग के हमारे इसका लगता था फट जाता था यार, इतना घटिया है इसका MIUI 12। मैंने सोच लिया MIUI का जितना भी अपडेट आए मैं डालूंगा ही मोबाइल में, ये चेक करूंगा क्योंकि मेरे को चल गया है। क्योंकि देखो ब्रो फिक्स करना होता बहुत पहले ही फिक्स करता लेग को अपना, 10 से 10 में 11 हो गया, 11 ने फिक्स किया उसमें और लेग किया, P12 में और लेग का फिक्स करेगा ये ब्रो, सबका चाल है यार। आपका मोबाइल पुराना हो गया ना तो समझ लिया आपको मोबाइल का MIUI 12 वो लेग करना ही है, और आपको मोबाइल को लेग फ्री करना है 2 साल भी मस्त मोबाइल चलाना है कस्टम रोम यूज करो, 2 साल के बाद 3 साल के बाद भी मोबाइल आपका वही परफॉर्मेंस देगा, उससे भी खतरनाक देगा कस्टम रोम। कंपनी वाले अपने नया मोबाइल बचने के लिए ऐसा करते हैं, एक ना हरामी क्या होते हैं भोसड़ी का कंपनी। अब हमें पता है आप लोग बहुत लोग वेट कर रहे होंगे MIUI 12 आने वाला है, वेट मत करो ब्रो,
छोड़ो उसको अब, MI 12 बेकार है। और अगर मतलब गारंटी खत्म हुआ है तो उसमें चलाओ, कस्टमर में चल जाओ, बूटलोडर डाउनलोड करो, TWR प्लेस कर दो, करना है तो कॉर्बेस में से रीलोड का करो, नहीं तो करो। ओके तो ब्रो मिलते हैं नेक्स्ट डेब्यू में, नेक्स्ट डेब्यू मेरा कॉर्बेस ओएस करेगा। अभी जो मैं जो जिससे मैं गेम खेल रहा हूँ जो रो में रीलोड ओएस का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका डाउनलोड लिंक, ये सब का वो डालूंगा, बेरिलियम सब कुछ डालूंगा। ओके फार्मर सब फार्मवेयर सॉरी फार्मवेयर डालूंगा, अब इसे डाउनलोड कर लेना। अब मैं बोल रहा हूँ ब्रो MI 12 अपडेट मत करना, नहीं तो मेरे पास मेरा चैनल का स्क्रीन ले लो और मेरे को आकर मैसेज करना बाद में, अगर अपडेट कर लिए तो बोलना भाई अपडेट किया गलती से, पहले बोला मत करना क्योंकि परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं करेगा, सिर्फ UI चेंज करेगा, नया नया फंक्शन डालेगा। मत फंक्शन में क्या यूज करोगे जब उसका यूज ही नहीं है, सिर्फ देखने में कहो क्या करोगे, सच्चा कोई डुप्लीकेट मॉडल रख लो उसको देखते रहो यार, कुछ काम का नहीं है। ओके बोलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कुछ भी मिल सकता रिव्यू में मिस कुछ भी मिल सकता हूँ। अब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना, और जो आपका MI 12 यूज करा है ना MIUI तो सबको सेंड करना मेरा वीडियो, तो सबको पता चले कि अपडेट नहीं करना है, अभी सब अपडेट नहीं करना है तो सतर्क हो जाएगा, अपडेट नहीं करेगा नहीं तो वो उसका भी लेकर नहीं देगा, फिर रुक जाए। ओके ब्रो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना ब्रो, और आगे कल एक न्यू परवेज का रिव्यू डालने वाला हूँ, यहाँ पे आया ना उसका डाटा है।